खबरों में बढ़ते आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपने समीकरण को साधने में लगी हैं। लिहाजा लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में महान दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है। बता दें कि महान दल और समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। आज महान दल का कार्यकर्ता सम्मेलन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होने जा रहा है। तो महान दल के ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए आए हुए हैं। क्या भाई साहब, बहुत सही, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है कि विलय होने जा रहा है? कार्यकर्ता सम्मेलन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं क्या? हाँ जी आएंगे। कहाँ कहाँ महान दल का जो वोट बैंक है जोर माने, हम किस एरिया में, क्या बुंदेलखंड में सुनने में आता जाता है? जी जी, बुंदेलखंड है, अपना आगरा है, कासगंज है, संबल है, मुरादाबाद है, फरुखाबाद है। माना जाता है कि महान दल जो कुशवाहा, मौर्य और सैनी वोट बैंक पर इनकी पकड़ है। जी जी जी, सबसे ज्यादा ये वोट बैंक क्या गठबंधन के साथ आएगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन के? हाँ जी, समाजवादी महान दल के साथ है, महान दल समाजवादी की पार्टी के साथ में रहेगा। देखिए, ये तमाम महान दल के कार्यकर्ता हैं आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी रहेंगे और अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए सभी पार्टियाँ गठबंधन कर रही हैं और अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं कि किसी बड़ी पार्टी से वो गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे दलों के साथ उनका समझौता जरूर होगा। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। वीडियो जली समित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। और इसमें अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महान दल और समाजवादी पार्टी मिलकर बहुमत की सरकार बनाएंगे और 400 से ज्यादा सीटों का फासला तय करेंगे। क्या आने वाले समय में आपका सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलेगा तो समाजवादी पार्टी और आपकी मिलकर के सबसे बहुमत की सरकार बनेगी। अभी तक तो हम 350 बोलते थे सीट, 350 सीटें बोल रहा था मैं, लेकिन जैसे ही हमारा और आपका कार्यक्रम तय हो गया, मैं 350 नहीं, और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा दिया। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नकली मौर्य बताया और केशव देव मौर्य को असली मौर्य बताया। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। कुछ नकली बैठे हैं कहीं, वो नकली हैं, वो नकली हैं, और नकली इसलिए हैं कि वो गड्ढे नहीं भर पा रहे अभी तक। गड्ढा भरने की जिम्मेदारी तो उनकी है, कहाँ गड्ढा भरे जा रहे हैं बताओ कहीं? जब गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं किसी चीज के, तो आपके हमारे सम्मान का क्या करेंगे? गलती से हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए, वो जो नकली वाले थे उन्हें पता लगा कि अब सीट खाली है और ऑफिस भी खाली है, वो जाकर के उस सीट पे बैठ गए। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बुला लिए और बाहर अपनी तख्ती लगा ली, भाई ठोकने वाले आ गए, उन्हें जानकारी मिल गई, जो ठोको नीति चला रहे उन्हें जानकारी मिल गई कहीं से। वो दिल्ली से लखनऊ वापस आए, उसके बाद वो कभी कुर्सी उनके नसीब नहीं हुई और वो तख्ती भी पता नहीं कहाँ फेंक दी, पता नहीं। आपके समाज का कोई काम होगा, केशव देव असली बैठे हुए हैं, ले आना, सरकार बन जाएगी, कहीं आपको निराशा हाथ नहीं मिलेगी, निराशा नहीं होगी आपको। और तमाम जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अनिल यादव जुड़ गए हमारे साथ। अनिल यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले 350 की बात थी, 350 सीटें जीतेंगे, लेकिन जैसे कि महान दल की बात हो रही है कि उनके साथ सम्मेलन चल रहा है और तमाम छोटे पार्टियों को भी जोड़ने की कोशिश सपा की तरफ से की जा रही है, तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत कुछ बयां कर रही है।
बिल्कुल, देखिए उन्होंने अभी उन्नाव तक रथ यात्रा निकाली थी, काफ़ी भीड़ उसमें काफ़ी ज़्यादा उमड़ी थी, तो वो उससे बहुत गदगद थे। उसके बाद उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली, साइकिल यात्रा में भी युवाओं का उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहाँ जहाँ भी अभी तक अपनी साइकिल यात्रा रथ यात्रा निकाली है, भीड़ उमड़ी है, तो भीड़ से उत्साह निश्चित ही बढ़ा है। और देखिए अब उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनी पहले बता दी थी कि बड़े दलों को वो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बड़े दलों के साथ गठबंधन का उनका जो जायका रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, इसलिए छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करेंगे, जैसे कि महान दल हो गया या फिर आरएलडी है वेस्ट में, इसी तरह से छोटे छोटे दलों को जोड़ेंगे और उनके साथ सीटों का समझौता होगा। तो 10 के अंदर सीटें महान दल को दी जाएंगी और महान दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है। और देखिए कई जिलों में जो साक सैनी मौर्य कुशवाहा वोट बैंक है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और 2017 में ये पूरा वोट बैंक एक तरफा बीजेपी के खाते में गया था। तो अब महान दल को अपने पाले में रखकर समाजवादी पार्टी इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है और चाहती है कि एक बड़ा हिस्सा उसके साथ 2022 में आए, इसलिए इस तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव 2017 के मुकाबले अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो उनको लगता है कि बीजेपी के मुकाबले सिर्फ अगर कोई पार्टी मैदान में है तो वो समाजवादी पार्टी है, और उनको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट बैंक है, बीजेपी विरोधी जो वोट बैंक है, वो एकमुश्त समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और इसीलिए वो 300 प्लस और अब 400 तक सीटों की बात कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने उस पर कटाक्ष भी किया है, लेकिन अब कितनी सीटें मिलेंगी तो हमें 4-6-7 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन निश्चित ही समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर अब वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। अनिल यादव, जिस तरह से छोटे छोटे दलों को जोड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कितना फायदा मिलेगा इसका सपा सरकार को या सपा पार्टी? देखिए बहुत ये हम और आप इनको भले छोटे दल कहें, लेकिन ये छोटे दल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, गेम चेंजर साबित हुए थे 2017 में। हमने देखा था बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा, अपना दल को अपने साथ लाई और तमाम इस तरह के छोटे बड़े दलों को अपने साथ लिया था, और नतीजा क्या निकला, 300 प्लस सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो अब इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये दूसरी यूपी में कई जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं, तो हर जाति के अपने अपने दल बन गए हैं। और निषाद पार्टी जब बीजेपी से अलग होकर लड़ी थी लोकसभा के उपचुनाव में गोरखपुर में, तो हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ की अपनी खुद की सीट बीजेपी हार गई थी, लेकिन निषाद पार्टी को जब बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा तो वो सीट जीत ली। तो ये कहने को छोटे दल हैं, लेकिन सत्ता की कुंजी, सत्ता की चाबी इन्हीं दलों के पास है, और जो दल सबसे ज़्यादा इन छोटे छोटे दलों को अपने में जोड़ पाएंगे वही दल कामयाब होगा, क्योंकि ये दल भी अब अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं अलग, भले ये जातीय दल हैं लेकिन अब ये किसी का पिछला बनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हम अब तक दूसरों की सरकार बनाते थे, अब हमको जो हिस्सेदारी देगा, बराबर सम्मान देगा और सत्ता में भागीदारी देगा, हम उसी के साथ जाएंगे, किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अनिल यादव, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, अखिलेश यादव इस तमाम चीजों को समझ चुके हैं कि छोटे दलों को हिस्सेदारी देकर बढ़त बनाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया अनिल यादव इस तमाम जानकारी के लिए।